2022 पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस चुनाव में 119 टोटल सीट्स में से 92 सीट्स पर केवल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ही जीते थे। इस ऐतिहासिक जीत के लिए कई लोगों ने खूब मेहनत की और पंजाब में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत सिंह मान थे और कहा जा सकता है कि इनके बल पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने विपक्षी दलों को करारी हार तो दी ही, साथ ही पंजाब को एक ऐसा नया सीएम भी दिया जो किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता था। आपको शायद जानकर हैरानी हो पर भगवंत मान पंजाब के सीएम से पहले एक कॉमेडियन रह चुके हैं और बतौर कॉमेडियन इन्होंने कई सालों तक लोगों का मनोरंजन भी खूब किया है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 10 साल पहले जब भगवंत मान ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी थी तो वो अपना पहला इलेक्शन हार गए थे। अपने पॉलिटिकल करियर के शुरुआत में ही फेलियर फेस करने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे और आज एक स्टेट के सीएम हैं। हाल ही में इनकी छवि के बढ़ते कद को देखते हुए ही हमें कई कमेंट्स मिले जहां आपने इनकी कहानी जाननी चाहिए और इसी कारण आज की इस वीडियो में हम भगवंत मान के कॉमेडियन से पॉलिटिशियन और फिर पॉलिटिशियन से सीएम बनने तक के सफर को जानेंगे। भगवंत सिंह मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को संगरूर जिले के सतोज गांव के एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहिंदर सिंह और इनकी माँ का नाम हरपाल कौर था। बचपन से यूं तो किसी को भी पॉलिटिक्स का शौक नहीं होता, ठीक वैसे ही भगवंत मान को भी नहीं था, पर इनको एक चीज का शौक बचपन से ही था और वो थी एक्टिंग, जो ये बहुत ही कम उम्र से करने लगे थे। इनको कहां पता था कि बचपन में मजे के लिए की जा रही एक्टिंग आगे चलकर इनको काफी कामयाबी दिलाने वाली है। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाले भगवंत सिंह मान जब कॉलेज आए तो उन्होंने कॉमेडी में ही दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी और फिर बस इसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। भगवंत सिंह मान शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करते थे और यहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। वो अपने कॉलेज के हर यूथ फेस्ट और कॉम्पिटिशन में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ जाते थे। इसके अलावा उन्होंने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिससे इनकी कला और भी ज्यादा निखरने लगी। आपको शायद जानकारी ना हो पर ऐसे ही एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में उन्होंने भाग लिया जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में हो रहा था। इस कॉम्पिटिशन में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए और ना केवल खुद का बल्कि अपने पूरे कॉलेज का नाम रोशन किया। ये उनके कॉमेडी के सफर की एक मजबूत शुरुआत थी। भगवंत मान के कॉमेडी स्टाइल के बारे में बात करें तो उनकी कॉमेडी में टिपिकल इंडियन इशूज जैसे पॉलिटिक्स, बिजनेस और स्पोर्ट्स की बात की जाती थी। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे जनता सबसे ज्यादा रिलेट कर पाती है और शायद इसलिए भगवंत मान को लोकप्रियता भी जल्दी मिलने लगी थी। इनकी पहली कॉमेडी एल्बम जगतार जग्गी के साथ आई। इसके अलावा दोनों ने मिलकर एक टीवी प्रोग्राम जिसका नाम जुगनू कहंदा है, जो ETC पंजाबी पर आता था, उसमें भी साथ काम किया। अगले 10 साल तक दोनों एक साथ काम करते रहे और फिर अपने करियर में आगे बढ़ते हुए जगतार जग्गी और भगवंत मान ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद भगवंत मान ने राणा रणबीर के साथ कॉमेडी करनी शुरू कर दी। इन दोनों ने भी मिलकर एक टीवी प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था जुगनू मस्त मस्त। इस शो के अलावा दोनों ने अगले कई सालों तक एक दूसरे के साथ काफी काम किया। इसी बीच साल 2006 में ही भगवंत मान और उनके पुराने कॉमेडी पार्टनर जगतार जग्गी एक बार फिर से साथ आए और कनाडा और इंग्लैंड में अपने शो नो लाइफ नो वाइफ के लिए टूर किया। ये उस वक्त लोगों में काफी पॉपुलर रहा था, पर अभी भी उनकी लोकप्रियता भारत में उतनी नहीं थी जितनी वो डिजर्व करते थे। साल था 2008 जब पंजाब के पॉपुलर कॉमेडियन भगवंत मान ने स्टार प्लस के द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी प्रोग्राम में भाग लिया। इस शो में अपने टैलेंट के जरिए वो बहुत ही कम समय में देश के सभी घरों तक पहुंच गए। इस शो के बाद इनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ चुकी थी। इसके अलावा वो नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म मैं माँ पंजाब दी में भी काम कर चुके थे। इस वक्त तक उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने के बारे में नहीं सोचा था, पर अपने एक्ट्स में पॉलिटिक्स दिखाते दिखाते शायद उन्होंने भी किसी दिन इसमें खुद को आजमाने का फैसला किया और 2011 में इन्होंने पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब ज्वाइन कर ली। ये इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत थी। 2012 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लेहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। अपने पहले ही चुनाव में हार देख लेने के बाद कोई नहीं सोच सकता था कि वो 10 साल बाद उस प्रदेश के सीएम बनेंगे, पर भगवंत मान ने ना ये केवल सोचा बल्कि करके भी दिखाया। अपना पहला चुनाव हारने के बाद वो 2014 में आम आदमी पार्टी में चले गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुखबीर सिंह धनसा को 2 लाख से भी ज्यादा वोट्स के अंतर से हराया और बस यहां से उनका राजनीतिक करियर ऊपर की तरफ ही बढ़ता गया। इसके बाद उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई अलग अलग जिम्मेदारियां निभाने को दी गई, जहां उन्होंने बखूबी परफॉर्म करके दिखाया। साथ ही राजनीतिक तौर तरीके भी वो धीरे धीरे सीख चुके थे। 2019 में वो एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे और दिखा दिया कि वो सिर्फ एक बार चुनाव लड़ने नहीं बल्कि यहाँ रुकने के लिए और बदलाव लाने के लिए आए हैं। 2022 आते आते वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब सीएम का चेहरा बन चुके थे। वो लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतकर लोगों में अच्छी पहुंच बना चुके थे
और इसी के दम पर 2022 में उनकी पार्टी पंजाब में एक तरफा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब भी रही। 119 में से 92 सीट्स पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ और 16 मार्च 2022 को उन्होंने पंजाब के 17th चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। वो अब सीएम तो बन चुके हैं पर आगे का रास्ता अभी और कठिन है। उनको अब जनता के लिए काम करना होगा, तभी वो दोबारा से चुनाव जीत पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी भगवंत मान की पॉलिटिकल लाइफ। वहीं अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने इंद्रप्रीत कौर से शादी की थी और इनके इस शादी से दो बच्चे भी हुए, पर 2015 में ये दोनों अलग हो गए और बच्चे विदेश पढ़ने चले गए। अभी हाल ही में 7 जुलाई 2022 को भगवंत मान ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करी। तो दोस्तों, यही थी कहानी पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।